ये एक तरफ जब इसराइल हमास के आतंक का जवाब दे रहा है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इसराइल की क्रूरता के खिलाफ प्रतिक्रिया दी जाती है और वो कहते हैं कि साहब हमास की कार्रवाई को आतंकवादी कहना अन्याय है। सर, इसे किस रूप में देखा और समझा जाए? देखिए रोमाना जी, पहले दो मसलों को अलग अलग कीजिए ताकि ये गुमराही ना हो सके। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये मुस्लिम स्कॉलर्स या IMU में जो कुछ हो रहा है वो फिलिस्तीनी कौम की हमदर्दी में और फिलिस्तीनी उम्मा की हमदर्दी में है, और पूरी दुनिया को फिलिस्तीनी कौम से, बैतुल मुकद्दस से हमदर्दी है, मुझे भी है और होना चाहिए। लेकिन अच्छे खासे माहौल को हमास ने ख़राब किया है, और मैं ये बताना चाहूँगा ABP के दर्शकों को कि हमास को फिलिस्तीन ने बहुत लंबे ज़माने तक कबूल नहीं किया था। अभी कुछ दिन से ही फिलिस्तीन के लोग उनको कबूल करने लगे हैं, चूँकि वो फिलिस्तीन के लोगों के साथ भी जोर ज़बरदस्ती और बहुत सारे हालात हैं, और अच्छे खासे माहौल को हमास ने ख़ुद से ख़राब किया है। और दोनों तरफ मैं कहूँगा कि फिलिस्तीनी बच्चे, फिलिस्तीनी बड़े बूढ़े और औरतें कितने जुल्म उनके साथ हो रहे हैं, इसराइल के साथ, सिविलियन के साथ कितने जुल्म हो रहे हैं। दोनों तरफ इंसानों की तादाद मरने की बहुत लंबी चली गई है, 5,000 से ज़्यादा लोग अब तक मर चुके हैं, लेकिन लोगों को शर्म नहीं आ रही है और अभी भी यहाँ सियासी और राजनीतिक बातें हो रही हैं। मेरा ख्याल ये है कि हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करके ईरान जो उसको मदद कर रहा है, लेबनान में हिजबुल्ला को कर रहा है, और ये जो हालात अभी दुनिया के अंदर बिगाड़ पर आए हैं और दुनिया एक वॉर की तरफ जा रही है, जंग की तरफ जा रही है, तो इसकी जिम्मेदारी भी हमास के ऊपर जाती है और ईरान के ऊपर जाती है साथ साथ। वो जो फर्क करने वाली आपने बात कही है कि साहब फिलिस्तीन और हमास के आतंकवाद का फर्क कीजिए सर, तो मेरा सवाल तो यही है सर कि इस देश के अंदर इस्लामिक स्कॉलर, इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये फर्क क्यों नहीं कर पा रहे? ये फिलिस्तीन की हिमायत में तो बयान जारी कर रहे हैं, ये हमास के आतंकवाद के खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोलते हैं सर? कौन इनके मुंह पर ताला जड़ देता है सर? क्यों खुलकर सामने नहीं आते और हमास के आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं? क्यों सर? इसराइल के अंदर जिस तरीके से मासूमों को मौत के घाट में उतारा गया सर, वहां पर औरतों के कपड़े नोचकर उनको बिना कपड़ों के सड़कों पर घुमाया गया सर, वहां पर छोटे छोटे बच्चों के गले काट दिए गए सर, उनको जिंदा जला दिया गया सर, इस पर कौन चुप्पी चढ़ता है सर? फर्क कौन करता है सर? ये सवाल है। मैं इसी का जवाब दे रहा हूं रोमाना जी, मैंने कल भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि हमास ने जो कुछ इसराइल में किया, अगर वाकईतन ये इस्लाम का पैगाम है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मौलाना सज्जाद नौमानी जैसे लोग जो कुछ हमास की हिमायत कर सकते हो करें। अल्लाह की कसम, ना ये कल इस्लाम था, ना आज इस्लाम है और ना ये कल इस्लाम होगा। आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि ये इस्लाम नहीं है जो हमास की तरफ से किया जा रहा है, और इसीलिए मेरा ये सवाल है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस्लाम का परचम ऊपर रखने की बात करता है, उसकी तरफ से हमास के इस आतंक को लेकर कुछ क्यों नहीं बोला जा रहा? वो क्यों सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन 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 की बात कर रहा है? जो हमास ने किया उसको लेकर भी तो मुंह खोलिए, दो शब्द बोलिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।